बात सुनना, मानना ना मानना तो बात की बात है, लेकिन बात को सुनने में किसी को अपनी कोई ईगो सामने नहीं लानी चाहिए, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो। राजस्थान में बवाल है, और बवाल है वीरांगनाओं का, जिसे अब राजनीतिक दलों ने अपने रंग में भी रंग दिया है। ये तस्वीरें हैं शनिवार की, जब बीजेपी इस मामले को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई। लेकिन ये बवाल आखिर है किस बात का, तो पहले आपको मामला समझा देते। 14 फरवरी 2019 का ये दिन आपको जरूर याद होगा, जब पुलवामा हमले में भारत के 40 जाबाज जवानों की शहादत हुई। उन्हीं में से 3 सीआरपीएफ जवानों की पत्नियां कुछ दिनों से जयपुर में धरने पर बैठी थी। 28 फरवरी से तीनों वीरांगनाओं का प्रदर्शन जारी है। दरअसल ये वीरांगनाएं नियमों में बदलाव की मांग करते हुए कुछ दिनों से सीएम गहलोत से मुलाकात का समय मांग रही थी। उनकी मांग है कि ना सिर्फ उनके बच्चों बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए। उनकी अन्य मांगों में शहीद के नाम पर सड़कों का निर्माण और उनके गांव में शहीदों की प्रतिमाएं लगाना भी शामिल है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि वो किसी शहीद के बच्चे की नौकरी का हक नहीं मारेंगे, लेकिन किसी के रिश्तेदार को नौकरी देना ठीक परंपरा नहीं है। वहीं अब तक गहलोत उन 3 वीरांगनाओं से नहीं मिले, लेकिन इसी बीच वो पुलवामा हमले में ही शहीद हुए 25 जवानों की पत्नियों से मिल लिए। तस्वीरें ट्वीट कर गहलोत ने लिखा, वीरांगनाओं का अभिवादन, बलिदानियों को सादर नमन। निवास पर शहीदों की वीरांगनाओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर प्रदेश सरकार की वर्तमान नीतियों को अपना समर्थन दिया। वीरांगना और उनके बच्चों के हक की नौकरी किसी अन्य को देना उचित नहीं है। प्रदेश सरकार शहीदों और परिवार के साथ सदैव खड़ी रहेगी। यानी इन 25 वीरांगनाओं ने उन 3 वीरांगनाओं का विरोध किया, यानी ये गहलोत के समर्थन में उतरी हैं। लेकिन उन 3 वीरांगनाओं से गहलोत आखिर क्यों मिलना नहीं चाह रहे, इस बात पर सचिन पायलट ने अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेर लिया और कह दिया कि ऐसी मामलों में ईगो नहीं दिखानी चाहिए। आज मैं मानता हूं कि अगर कोई छोटी मोटी मांगे हैं, किसी की सड़क का है, चार दीवारी का है, मूर्ति का है, उस काम को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात हम सुनने को भी तैयार नहीं है। बात सुनना, मानना ना मानना तो बात की बात है, लेकिन बात को सुनने में किसी को अपनी कोई ईगो सामने नहीं लानी चाहिए, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो। मेरे घर आई, वो अचानक आ गई, मैंने कहा बैठिए, उनकी बात सुनी, थोड़ा वो जैसे मैं कहा भावुक थी, उनकी बात को मैंने सुना। देखिए, महिला हैं, भावुक हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्या क्या उन पर बीती होगी, तो बड़ी संवेदनशीलता से उनकी बातों को हमने सुनना जाना चाहिए था, और जो पॉसिबल है बताना चाहिए था। अगर नहीं भी करना है तो उनको बैठकर समझाते, समझाने का काम अगर किया गया होता, मैं समझता हूँ एक बेहतर तरीके से मामले को निपटाया जा सकता। अब इस मामले को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है, साथ ही वीरांगनाओं के प्रदर्शन के बीच पुलिस का एक्शन भी हुआ। अब पुलवामा की वीरांगनाओं के साथ पुलिस के सुलूक के खिलाफ और उनकी आवाज मुखर करने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीना के साथ हुए बर्ताव को लेकर भाजपा ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इस बीच जयपुर में बीजेपी मुख्यालय से सहकार भवन की ओर निकले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों की ओर से जबरदस्त झड़प हुई। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी पर हल्का पथराव भी किया, जिसमें पुलिस की गाड़ी के कांच टूट गए। वहीं एक पुलिसकर्मी का डंडा खींचकर कुछ कार्यकर्ताओं ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन पदाधिकारियों के बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक मदन दिलावर को चोट लग गई तो पुलिस जवानों के पैरों में ही वो लेट गए। खैर, ये तो थी राजनीतिक बात। इन 3 वीरांगनाओं को सिर्फ अशोक गहलोत से मिलना है और अपने मन की बात उन तक पहुंचानी है, जिसकी अपॉइंटमेंट उन्हें अब तक नहीं मिल पाई है।